नमस्कार दोस्तों, पहुंच चुका हूं किचन में। आज एक नया रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करेंगे जो कि खाने में बहुत ही हेल्थी रहेगा। और पुई साग आप लोग जानते ही हैं, पुई साग का पकौड़ा बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पुई साग को तोड़ लेते हैं। ये देखिए बहुत सारा पुई साग है, पुई साग को तोड़ लेते हैं। छोटा छोटा पत्ता को तोड़ेंगे। पुई साग का पकौड़ा बहुत ही अच्छा रहता है और हेल्दी भी रहता है। और हम सब जानते हैं दोस्तों कि पुई साग में बहुत विटामिन रहता है। ये देखिए दोस्तों, इतना सारा पुई साग तोड़ लिए हैं और बगल में गुलाब का फूल भी हुआ है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। ये देखिए पुई साग को धो लेंगे अच्छे से। पुई का पत्ता को अच्छे से धो लिए हैं, अब इसका पकोड़ा बनाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। चूल्हा को जला लिए हैं, अब कढ़ाई को चढ़ा देंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें तेल डालेंगे। पुई पत्ता का पकोड़ा बनाने के लिए हमने 6 छोटे साइज का आलू लिए हैं, इसको उबाल लिए हैं। अब इसका चोखा बनाएंगे। ये बिल्कुल नई तरीके से बन रहा है, ऐसा वीडियो आपको YouTube में देखने को नहीं मिलेगा। आलू का चोखा अच्छे से बन गया है। हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सरसों तेल। चलिए चोखा रेडी हो गया है, अब बैटर बनाएंगे बेसन का। देखिए एक कटोरी बेसन लिए हैं। अब इसमें जाएगा कॉर्न फ्लावर, 2 चम्मच डालेंगे कुरकुरा बनाने के लिए। आप इसके जगह में चावल का आटा भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे। 1/2 चम्मच नमक, और इसमें पानी डाल करके इसका एक बैटर तैयार करेंगे। अब देख सकते हैं किस तरह बैटर बनाए हैं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट काम करना बाकी है। इसका इस तरह गोल गोल बनाएंगे। अब पुई पत्ता को उठाएंगे एगो, और पुई पत्ता के ऊपर में आलू को लगाएंगे और ऊपर में एगो पुई पत्ता और डाल देंगे। ये देखिए इस तरह करके बनाएंगे, रेडी करेंगे सबको। सभी पुई पत्ता में आलू को लगा लिए हैं। अब इसको बेसन में इस तरह लगाएंगे चारों तरफ से, और लगाने के बाद ये सीधा जाएगा गरम तेल में, सीधा जाएगा गरम तेल में। इसको पलट देंगे। ये देखिए किस तरह बन रहा है। पुई पत्ता का पकोड़ा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको थाली में निकाल लेते हैं। पुई पत्ता का पकोड़ा बनकर तैयार हो गया है। टमाटर सॉस के साथ अब इसको टेस्ट करेंगे। कितना कुरकुरा सा बना है। पुई पत्ता का पकोड़ा बहुत ही टेस्टी बना है दोस्तों। इस तरह बना करके एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा दोस्तों को, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए
वही पकौड़ा हम खा रहे हैं। बाय बाय।